हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी मेथी का थेपला। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेथी की थेपला बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेथी लिप्स को काट के धोके क्लीन करके रखा। 2 कप गेहूं का आटा लिया, 2 चम्मच कड़वा दही, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच व्हाइट तिल, 2 चम्मच घी और सेकने के लिए घी यूज़ करूँगी। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, जो गेहूं का आटा लिया ऐड कर दिया। सारे ड्राई मसाला, तिल और अजवाइन, अजवाइन थोड़ा क्रश करके ऐड कर देती हूँ। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और मेथी पत्ता को जो कट के धो के क्लीन करके रखा था वो भी ऐड कर दिया। दही, मक्खन, और 1 चम्मच घी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और एक सॉफ्ट डो बना लूंगी। अच्छी तरह से मल-मल के डो बना लिया। अभी 10 मिनट्स साइड में छोड़ देती हूँ, फिर थेपला बनाऊंगी। थेपले के डो अच्छी तरह से सेट हो गया और एक बार अच्छी तरह से मल के तैयार कर लेती हूँ। फिर छोटा छोटा गोला बना लेती हूँ। ऐसे सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे बॉल्स को लोइया बना लिया, अभी बेल के रेडी कर लेती हूँ। रोलिंग पैन और बेलन ले लिया, सूखा आटा भी ले लिया। एक लोइया लेके ऐसे गेहूं का आटा में डिप करके बेल के रेडी कर लेती हूँ। बेल लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पहले से ही तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। जो थेपला लिया वो सेक लूंगी। एक साइड अच्छी तरह से सेकने को बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से सेक किया, दूसरी तरफ फ्लिप कर लिया और ऊपर से घी ऐड कर देती हूँ। दोनों साइड घी लगा के सेक लेती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से पलट पलट के सेक लिया। अभी प्लेट में निकाल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे थेपला को तैयार कर लेती हूँ। सारे थेपला बना के रेडी कर लिया, अभी प्लेटिंग कर लेती हूँ। टेस्टी गुजराती मेथी के थेपला बन के रेडी हो गया। ये टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली पिकल के साथ सर्व किया। ये भी दोनों हैममेड है, पहले ही मैं वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे बना के आप लोग ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं। 2 दिन तक खराब नहीं होता, गरम चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बनाइए और आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।